तो ये बना 8,78,254, ये बना 8,79,564, ये बना आपके पास 83,17,561। लेकिन आपने प्लेसेस चेक करने हैं ऐसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, ठीक है, तब करना है आपने, ऐसे नहीं कर देना डायरेक्टली। फिर देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, ये आया 83,18,000 ही हुआ ये। अब देखो ये 8 लाख, ये भी 8 लाख, लेकिन ये 83 लाख, ये भी 83 लाख, तो 8 लाख 8 लाख तो भी कम है ना 83 से, तो हमने क्या करना है इनको बाद में देखना, पहले इनमें से देखो 83,17,000, ये 83,17,000 है, ठीक है, और ये नंबर है 83,18,000 है, तो 17 बड़ा होता है या 18 बड़ा होता है, 18 बड़ा होता है, तो पहले ये वाला नंबर आएगा, ये वाला नंबर पहले आएगा, ठीक है। आगे है 83,17,000, तो ये 2 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलो, ये 8,78,000 है और ये 8,79,000 है, आपने ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले 2 डिजिट 3 डिजिट सेम हो जा रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे 8,7 8,7, आगे ये 8 है और आगे यहाँ पे 9 है, तो सामने पता चल रहा है अगर 8,7 8,7 यहाँ पे इक्वल है, 8 छोटा और यहाँ पे थर्ड नंबर जो 9 है वो इसका क्या है, बड़ा है, तो ये थर्ड नंबर इसका 9 बड़ा है, उसका थर्ड नंबर 8 क्या है, छोटा है, तो ये पता चल जा रहा है कि ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा है, तो ये आएगा थर्ड नंबर पर और ये आएगा फोर्थ नंबर पर, ठीक है। अब आपने इसको नीचे ऐसे ही लिखना है, देखो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, ठीक है, और नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है 4 और 5 पार्ट है वो आपने खुद करना है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को करने की, बहुत इजी क्वेश्चन है, जहाँ नहीं पता चलेगा किसी बड़े की हेल्प ले लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।